हेलो दोस्तों, और आप लोग ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पोटैटो चिप्स जो आजकल हम लोग बहुत ही चाव से खाते हैं, दरअसल वो गुस्से में बनाया गया था और ये गलती से इसका आविष्कार हो गया। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको कुछ मशहूर चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप रोजाना यूज करते हो और वो चीजें गलती से इन्वेंट हुई है। उनके बनाने वाले ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ये उन्होंने क्या बना दिया। तो दोस्तों, इत्तेफाक से होने वाले इन आविष्कारों के बारे में हम जानेंगे कि आखिर ये कैसे बना, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 5, आइसक्रीम कोन। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई जगह होगा जहां आइसक्रीम कोन न खाई जाती हो। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसे बहुत चाव से पसंद करते हैं। लेकिन शायद अब तक आपको यह पता ही ना हो कि आइसक्रीम कोन की खोज गलती से हो गई थी। दरअसल ये बात 1904 की है। अमेरिका के सेंट लुइस में एक मेला लगा हुआ था। इस मेले में ही कुछ लोग खाने पीने की चीजें भी बेच रहे थे। उन्हीं में से एक इंसान जिसका नाम बर्नेस हम्फ्रीज था, वह क्रिस्पी वूफल्स बेच रहा था। उसी के एक साइड में एक और इंसान था जो कि आइसक्रीम बेच रहा था। उस समय आइसक्रीम को कप में बेचा जा रहा था। गर्मी इतनी थी कि उसके आइसक्रीम की बिक्री बहुत तेजी से हो रही थी। इसी बीच उसका कप खत्म हो गया। तब बर्नेस ने, जो कि वो वूफल बेच रहा था, उसने कहा कि तुम आइसक्रीम को इसमें डालकर बेचो। वूफल और आइसक्रीम को मिलाकर बना ये आइसक्रीम कोन वहाँ के लोगों को इतना पसंद आया कि ये आगे चलकर काफी प्रचलित हो गया, जिसे आजकल हम लोग बहुत ही चाव से खाते हैं। नंबर 4, टी-शर्ट। दोस्तों, टी शर्ट को खासकर उन लोगों के लिए बनाया गया था जो कि बैचलर हैं और अकेले रहते हैं। दरअसल उस समय लोग टी शर्ट नहीं बल्कि शर्ट पहनते थे। अगर कभी शर्ट का बटन टूट जाए तो उनके घर की महिलाएं उसे जोड़ दिया करती थी। लेकिन जो लोग अकेले रहते थे या फिर कुंवारे थे, अगर उनका शर्ट का बटन टूट जाता था तो उन्हें काफी दिक्कतें होती थी। इस चीज को 1904 में कूपर नाम की कंपनी समझी और टी शर्ट का आविष्कार कर दिया। देखते देखते ये काफी पॉपुलर हो गया, जिसे आज बच्चे, बड़े, बूढ़े सब पहनते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नंबर 3, टी बैग्स। टी बैग्स को पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है और आपने भी कभी न कभी इसका इस्तेमाल किया ही होगा। लेकिन इसकी खोज के पीछे एक कहानी है जो कि काफी दिलचस्प भी है। 1905 के दौर में एक आदमी जिसका नाम थॉमस सुविलियन था, वह अमेरिका में चाय की पत्ती और कॉफी को बेचा करता था। ये चाय की पत्ती के सैंपल्स को कैन की बोतलों में डालकर दुकानों में भेजा करता था। अचानक एक दिन उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि चाय की पत्ती के सैंपल को कैन में डालकर बेचना काफी महंगा होता है, तो क्यों ना हम हाथ से बने इस छोटे छोटे सिल्क के बैगों में चाय की पत्ती को डालकर उसके सैंपल को हम दुकान वालों को भेजें। उसके बाद थॉमस ने सिल्क बैग में ही चाय की पत्ती को डालकर दुकानों में उसके सैंपल को भेजने लगा। धीरे धीरे ये पत्तियों से भरे हुए बैग काफी मशहूर हो गए और आगे चलकर हम इसे आज टी बैग के नाम से जानते हैं। उसने ये सोचा भी नहीं होगा कि उसके इस आइडिया से टी बैग का आविष्कार हो जाएगा। लेकिन आज जो हम लोग टी बैग का इस्तेमाल करते हैं, उसमें खास तरह का मटेरियल का यूज किया जाता है और जो मॉडर्न टी बैग को बनाया है उनका नाम विलियम हरमन सानी था। नंबर 2, पोटैटो चिप्स। चिप्स जो आजकल हम लोग बहुत ही चाव से खाते हैं, दरअसल आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि यह गुस्से में बनाया गया था। ये कहानी है जॉर्ज कर्मा नामी एक शेफ की। 1953 में फ्राइड पोटैटो को बहुत चाव से खाया जाता था। न्यूयॉर्क के सरतोगी स्प्रिंग नामी एक रेस्टोरेंट में एक शेफ काम करता था जिसका नाम था जॉर्ज कर्म। उसे एक कस्टमर बहुत परेशान किया करता था। जब भी ये शेफ उसे फ्राइड पोटैटो देता था तब वह यह कहकर मना कर देता था कि पोटैटो काफी पतले हैं, जाओ दूसरे लेकर आओ। ऐसा वो बार बार करता था और अचानक एक दिन शेफ को बहुत ही गुस्सा आया। उसे बदला लेने के लिए आलू को जानबूझकर और पतला किया और उस आलू को बहुत देर तक फ्राई किया और उसमें ज्यादा नमक भी डाल दिया। लेकिन जब उस कस्टमर को यह परोसा गया तो उसे वो बहुत ही स्वादिष्ट लगा, क्योंकि ज्यादा देर तक फ्राई करने के कारण पोटैटो काफी क्रिस्प हो गया था और उस कस्टमर ने इसे दोबारा ऑर्डर कर दिया। उसके बाद वह चिप्स काफी मशहूर हो गया और उस चिप्स को सरतोगी चिप्स नाम देकर बेचा गया और धीरे धीरे ये चिप्स पूरी दुनिया में फैल गया। नंबर 1, मैच बॉक्स। अगर कहीं आग लगाना हो तो एक माचिस की तीली भी काफी होती है, लेकिन असल में जो आजकल माचिस का इस्तेमाल करते हैं उसकी भी खोज गलती से हुई थी। 1926 में जॉन वॉकर ने केमिकल के एक बर्तन को हिला रहा था और उसने बिना सोचे समझे उस सूखे हुए गांठ को छीलने की कोशिश की और अचानक से उस गांठ में आग लग गई और इसी तरह से मैच बॉक्स का आविष्कार हुआ। और उसी इंसान ने सबसे पहले उसे एक स्थानीय किताब की दुकान पर जाकर पहली बार मैच बॉक्स की बिक्री की। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। देखते रहिए थ्रिलिंग फैक्ट। जय हिंद।